आज चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फ्रड भएको छ हैन 9808 लो ठीक है आप फ्रॉड कर रहे लेकिन उसमें भी थोड़ा इंसानियत रख लेते। हे गाइस इट्स मी सब अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फ्रॉड भएको छ हैन फ्रॉड मतलब मलाई त थाहा थिए पहिले देखि अनि मम्मी को चाहिँ मोबाइल में एउटा मेसेज आयो हैन 25 लाख रे हैन अनि उफ्रिन्दै आउनु भयो के कस्तो मेसेज आको थियो तपाई चाहिँ म त यति खुशी भएको बापरे 25 लाख तपाईले पाउन भएको छ रे के त्यसमा के हौसला बोलेर के भने म त पुरा सुतिराथे मेसेज देखे 81 उठेर बाबु 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 हामीलाई 25 लाख रुपियाँ परेछ पुरै खुशी भएको थिए त्यसपछि बाबुलाई सब चिज देखाए यो मान्छेले त हामीलाई यति फ्लड गरेर चाहिँ बाबुले मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ अहिले त पैसा कम छ भन्दा पनि हैन भाइ केही छैन हालदेऊ पछि गएर फेरि तिमीलाई त 25 लाख नै आउने वाला छ भाइ 25 लाख कम होइन तर कसैलाई हल्ला नगर्नु भाइ कसैलाई हल्ला नगर्नु भनेर पुरा मैले चाहिँ 25 लाख को लागि ल म पैसा पठाइदिन्छु भने हैन मसँग 11,000 मात्रै छ भने अनि मैले भने मम्मीको बिरामी हुनुहुन्छ मम्मीको बिरामीको लागि मैले पैसा राखेको छु त्यो पनि पठाउँछु हुन्छ भनेको अनि हुन्छ पठाइदिनु रे हैन मम्मीको बिरामी हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ रे पठाइदिनु रे अनि लास्टमा चाहिँ फ्रीमा पनि गर्दिन्छु भन्नु त्यसले मैले भने फ्रड किन गर्ने यताउता भन्दाखेरि हैन गाली गरे अनि त्यो पूरा भिडियो हेर्न बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो मान्छे फेरि हेर्नु कब के कुन कौन बनेगा करोडपति बाट भने थियो नि म त आफै यति खुसी भएको कौन बनेगा करोडपति बाट मेरो आइडीमा यत्रो पैसा आयो पुरा खुसी भएको थिएँ कुरा गर्दै 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 गएको त्यो मान्छेको नाम दियो रौ त हट गरे छ हेर्नु है यसरी कोही पनि नफस्नु होला यसरी आउँदो रहेछ तर यो कारणले गर्दा तपाईँले यदि हामीले यदि 25,000 रुपियाँ त्यहाँ पहिला डिपोजिट भनेको थियो 25,000 यदि डिपोजिट गरेको भने उसको खातामा त गइसक्थ्यो हामीले पैसा पाउँथेनौँ कोही पनि नपर्नु होला यसमा यो सङ्कट हो रहेछ थाहा भयो म जस्तो सोध यदि बाबु घरमा थिएन भने म आज पक्कै ब्याङ्कमा गएर 25 लाख डिपोजिट 25,000 गरेर 25 लाख पाउने आशमा जान्थ्यो तर 25,000 पनि मसँग रहने रहेनछ मेरो छोराले मलाई बचायो ल पुरै भिडियो हेर्नु होइन सबै भिडियो हेर्नु होला हामी त्यसमा चाहिँ मैले यो कल त्यो रेकर्डहरू छ सबै सुन्नु त्यो हेर्नु भिडियोहरू सबै बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले सायद आज मेरो छोरो नभएको भए मैले 25,000 रुपियाँ मैले मेरो हातबाट जाने थियो तर छोरो थियो जे भयो नि म बचेँ तपाईँहरू कोही पनि नफस्नु होला यस्तो चक्करमा कोही नपर्दिनु होला धन्यवाद लगाइज भिडियो पुरै हेर्नु घर पर हो काम पर हो कहाँ पर हो घर पर हो सर घर पर हो तो आपका इसी व्हाट्सएप पर मिल जाया था हाँ यस सर यस तो आप लोगों ने पहली मरतबा कॉल कर रहे हो ना तो दूसरी व्हाट्सएप से भी आप लोगों ने संपर्क किया मुझे दूसरी नंबर से मैंने किया था वो व्हाट्सएप नहीं था मैंने बोला था आपको इसमें व्हाट्सएप बनाया आपको कॉल कीजिए आपने कहा था कि व्हाट्सएप उसी नंबर से कॉल करने के लिए इसीलिए इस नंबर से कॉल किया ये दूसरा व्हाट्सएप से जो कॉल कर रहे थे वो आपका क्या लगता है जिसका मोबाइल था वो भी मेरा ही मोबाइल लेकिन वो मेरा दूसरा नंबर है ये दूसरा नंबर है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे अभी आप लोग ऐसे कीजिए आज की डेट में आपको पैसा क्लियर होगा आज मैंने कुछ कस्टमर को पैसा क्लियर कर दिया कुछ कस्टमर रहते हैं जिनमें आपका नंबर भी भागी है जो आप लोगों ने आज पैसा कैश करना है अभी आप लोग ऐसे कीजिए अभी अपना खाता का नंबर जो आप लोगों का खाता नंबर है ना हाँ सर अपना खाता नंबर लिखकर किसी व्हाट्सएप पर पठाइए अपने नागरिते का सामने साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो मोबाइल से खींचकर इसी व्हाट्सएप पर अभी तुरंत पठाओ और अपना शुभ नाम अपना खाता नंबर अपना शुभ नाम अपने नागरिते का दोनों साइड का फोटो और अपना एक हाफ फोटो ये चार चीजें इसी व्हाट्सएप पर अभी तुरंत पठाना है समथिंग से समथिंग 5 से 10 मिनट में तो ये डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट कर दोगे हाँ सर क्या क्या डॉक्यूमेंट बताओगे मुझे आप लोग कंप्लीट कर दीजिए आप लोग मुझे आप लोग बताइए क्या आप लोग डॉक्यूमेंट कंप्लीट करोगे 36 कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्डिंग हो रहा है ये नागरिकता अकाउंट नंबर नाम यस अकाउंट नंबर और नाम और नागरिकता का दोनों साइड का फोटो और आप लोगों का एक हाफ फोटो चाहिए अभी तुरंत इसी व्हाट्सएप पर पठाना है बाबू में हल्ला चट्टा शोबाजी नहीं करना है यार दोस्त चाहे बाप डिग्री कितना भी खास क्यों ना हो हेलो सर खबर नहीं करनी ये नंबर अकाउंट नंबर नागरिकता का फोटो पठाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना होगा ये तो पठाने वाला चीज नहीं है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 100% भगवान सोगन आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग किसी बात का चिंता मत कीजिए ओके चिंता तो होगा ही ना सर
नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रकम आपका व्हाट्सएप नंबर पर है, आपके व्हाट्सएप नंबर से हटाकर आपके नाम पर करके आपके खाता में डिपॉजिट की जाएगी, सेफली आपके खाता में डिपॉजिट की जाएगी मेरा भाई। लोगों में हल्ला नहीं करना है, चर्चा शोबाजी नहीं करना, लोगों में ढंडोरा नहीं पीटना, समय बहुत कम है और भी कस्टमर लाइन पर है। अभी आप लोग तुरंत ऐसे कीजिए, अपना खाता का नंबर, अपना शुभ नाम, अपने नागरिकता का दोनों साइड का फोटो और अपना एक फोटो इसी व्हाट्सएप पर अभी तुरंत व्हाट्सएप कर मुझे बैग संपर्क कीजिए उनसे। ठीक है अभी आप लोग अल्लाह चर्चा शोबाजी नहीं करना, कितने आदमी में आप लोगों ने अल्लाह कर दिया कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर लॉटरी लग रहा है। नहीं अभी तक तो मैंने किसी को भी नहीं कहा है, किसी को कहना भी नहीं है। अभी तुरंत आप लोग ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो और फिर मुझे बैक कॉल लगाओ, अभी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कीजिए और मुझे कॉल लगाओ, आगे का मुकम्मल प्रोसीजर समझा देता हूँ। ओके ठीक है। बैंक कितनी दूरी पर है? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट एटीएम के आप लोग एटीएम यूज करते हो या फिर आप लोग एटीएम यूज करते हो या फिर चेकबुक से पैसा निकालते हो? एटीएम यूज करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड लक। अभी आप लोग डॉक्यूमेंट पठाओ और फिर मुझे बैक को लगाओ, आगे का मुकम्मल प्रोसीजर समझा देता हूँ। ओके ठीक है सर, ठीक है। अभी इन्हें यो बैंक को डिटेल ली सके जे भी कर सके एकाउंट नागरिकता नंबर तो एकाउंट नंबर सोधी एटीएम चला कि तो चला तो बैंक को पाओ। हेलो सर, मैंने पता लगाया नागरिकता खोजा तो नागरिकता नहीं था मेरा, अभी नहीं है इधर नागरिकता, बीरगंज में बैठता हूँ तो मैं बीरगंज में नागरिकता, यहाँ पे अभी सरलाई आया हूँ, सरलाई में तो नागरिकता नहीं है, कैसे होगा? तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मोम यहाँ पर ही है ना, मोम या जाएगा? मोम नहीं नहीं वही तो सब लोग बीरगंज बैठते है, मैं लॉकडाउन है नेपाल में तो मैं फंस गया हूँ लॉकडाउन में। तो खाता नंबर याद है आपको? खाता नंबर नागरिकता मेरा सब उधर ही है बीरगंज में। तो फिर बेटा कैसे होगा? आप बोलिए कैसे होगा तो मैं कर दूंगा, आप क्या क्या कर सकते हैं? बेटा आपके पास 2 मोबाइल है? हाँ मोबाइल तो है, तो 2 मोबाइल है। तो बेटा आप लोगों को ऐसे कर सकते हैं बेटा, ये हमारे पास आपका चेक गिनती, आप लोगों का चेक मेरे पास पहुंचा हुआ है, लोगों की खातिर इतना अलग कर सकता हूँ कि आपको चेक होम डिलीवरी करवा सकता हूँ बेटा। चेक होम डिलीवरी करवा सकता हूँ, तो आप लोगों का नजदीक आप लोगों को चेक होम डिलीवरी हो सकता है बेटा, उसका थोड़ा सा चार्जर आएगा बेटा, होम डिलीवरी चेक का चार्जर फीस आएगा, तो बेटा वो आप लोगों को पेड करना पड़ेगा तुरंत पहले से। तो बेटा पेड कर पाओगे आप लोग? सरकारी ऑफिसर का खाता दूंगा, पेड कर दूंगा ना सर, 25 लाख आएगा तो क्यों नहीं पेड करूंगा, 25 लाख से ज्यादा होगा बेटा, 25 लाख 100% शो आएगा। लेकिन बेटा ये जो आपको चार्जर फीस है ना, ये आपको पहले से डिपॉजिट करनी होगी सरकारी ऑफिसर के खाता में, ये बेटा आप लोगों को भरना पड़ेगा। ये बेटा मैं आपको सरकारी ऑफिसर का खाता दूंगा जिस खाता में आप लोगों ने भरना होगा, तो बेटा ये भर पाओगे ना आप लोग? हाँ सर। यहाँ से नजदीकी बैंक आप लोग अपने मोबाइल अकाउंट से भी पे कर सकते हो, अपना नजदीकी कोई भी बैंक से ये भर सकते हो बेटा। हाँ मोबाइल मोबाइल से तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल में तो कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास, बैंक में जाके कर सकते हैं। कौन बैंक में जाना पड़ेगा? कौन सा बैंक नजदीक है बेटा? लक्ष्मी बैंक भी है, ग्लोबल बैंक भी है। लक्ष्मी भी है, ग्लोबल भी है, ठीक है बेटा। तो अभी आप लोगों को सिर्फ जो चार्जर है ना, 1 लाख के पीछे 1,000 है, सिर्फ 25,000 आपको भरना पड़ेगा, सिर्फ 25,000 बेटा आपको नेपाली पैसा भरना है, वो आपका पैसा यहाँ से चेक रेडी कर होम डिलीवरी बेटा, यहाँ से आप लोगों के चेक के सूरत में आपको डिलीवरी किया जाएगा बेटा, आपका इतना अलग कर सकता हूँ बेटा, 25,000 भरना है। तो बेटा अभी आपकी पॉकेट में मौजूद है ना 25,000 तो नहीं है सर, 11,000 है मेरे पॉकेट में अभी। कितना बेटा पैसा है? 11,000 11,000 है बेटा, मुझे कंफर्म बोलो कि यहाँ से मैं भी आपका काम कंप्लीट करवा सकूं। वही तो सर, 11,000 कंफर्म, मैंने 11,000 बोला, अभी 11,000 भेज देता हूँ, आधा एक घंटा में फिर से खोज के
भेज सकता हूँ। ठीक है बेटा, मैं आपका ऐसे कर देता हूँ बेटा। बेटा मैं कंपनी से रिक्वेस्ट डालकर आपको 11,000 भरो, तो मैं भी आपसे कंपनी से रिक्वेस्ट डालता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ गरीब आदमी और आपसे बात करके ना बेटा, मुझे आप लोगों से बात करकर मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं अपना छोटा भाई से बात कर रहा हूँ। आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे मन से ऐसे लगता है। मेरा 8 साल का कैरियर हो चुका है, मैंने किसी को भाई नहीं बोला है। अभी आपसे बात करकर मुझे मन से छोटा भाई जैसा कि आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो। आपका लॉटरी मेरा फर्ज बन चुका है, ठीक है? ठीक है सर। कोई भी अदा करना होता है, आपको पता है ना, फर्ज कोई भी अदा करना होता है। हाँ सर। तो अभी आप लोग ऐसे 11,000 है ना, yes, मैं सरकार को रिक्वेस्ट डालता हूँ के पास 11,000 है, इनका काम कंप्लीट करवाइए। मैं 11,000 अभी आपके पास मौजूद है ना मेरा भाई, आप लोग मुझे भाई समझते हो या नहीं मानते हो? दाई भाई मानते हो? हाँ सर मानता हूँ, इसलिए तो फोन करता हूँ ना, फोन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे दाई भाई मानते हो, मैं भी आपको मन से दाई भाई मानता हूँ। तो ठीक है, अभी मैं आपको खाता नंबर भेज रहा हूँ, आप लोग उस खाता नंबर को कागज पर चढ़ा लो, ठीक है? कागज पर चढ़ा कर बैंक में जाकर वो आप लोगों ने बैंक वालों को खाता नंबर देना है सर। आप लोगों ने उनको बोलना है कि खाता में हेलो डिपोजिट कर दीजिए रकम। वो जी भाई, अब आपने 25 लाख का बात किया तो मुझे भी खुशी लगा। मेरे पास भी है अभी 2-3 हजार, वो मम्मी का हॉस्पिटल के लिए रखा हुआ पैसा है, वो 2-3 हजार, वो भी मैं 11,000 में मिक्स करके आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, देख मेरी बात सुनो, आपकी मोम और मेरी मोम में कोई फर्क नहीं है, और मुझे आप लोगों ने सर बोलकर शर्मिंदा नहीं करना है प्लीज। आपको मैंने मन से दाई भाई बोला है ना, आप लोग भी मुझे भाई समझो, और आपकी मोम हमारे मोम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? मैं आपको छोटा भाई समझता हूँ, दाई भाई हूँ, ठीक है? ठीक है, वो मोम मोम के लिए रखा हुआ पैसा भी मैं भेज दूंगा। आप कितना पैसा भेजेंगे बता दीजिए। टोटल मैं सरकार टोटल 15,000 हो जाएगा। 15,000 हो जाएगा? वो मैंने हॉस्पिटल के लिए रखा है, अभी ऐसा टाइम है, वो हॉस्पिटल के लिए रखा है। ठीक है, अभी आप लोगों को पैसा मिलेगा ना, सबसे पहले आपकी मोम और हमारी मोम में फर्क नहीं है, सबसे पहले आप लोगों ने उसका इलाज करवाना है, बढ़िया सा इलाज करवाना है, ठीक है? ठीक है, बढ़िया सा इलाज करवाना है आप लोगों को मोम का, बढ़िया इलाज करवाना जब पैसा मिल जाएगा। अभी कितना पैसा है मुझे कन्फर्म बताइए। कन्फर्म 15,000 सर, 15,000 हो जाएगा। 15,000 मेरे वो गुड खुदरके होता है, यहाँ वो खुदरके में मैंने रखा है, उससे निकाल लूंगा तो 15,000 मुझे पता है हो जाएगा। 15,000 होगा, 20 नहीं होता है क्या? नहीं हो सकता है सर, वो पूरा मैंने कलेक्ट किया, मुझे पता है वो उसमें कितने डाला है मैंने, इसलिए मैंने आप खुशी से मन के खुशी से बोल दिया कि वो मम्मी के लिए रखा पैसा भी आपको दे रहा हूँ, इसलिए टोटल मेरे पास उतना ही है। ठीक है, देखो आप लोगों को भाई बोलकर मुझे, आपको पता है ना, आप लोग मेरे दाई भाई मानते हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कीजिए, 15,000 उठाइए, 15,000 उठाकर आपकी मोम अभी आपके पास है या कोई, आप बैंक में अकेले जाओगे ना? हाँ अब अकेले ही जाऊंगा ना, ये बात तो किसी को भी नहीं कहना है। हाँ बिल्कुल सीक्रेट बात है, क्योंकि बैंक में भी अल्लाह नहीं करना है। मेरे भाई हो, मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग मेरे भाई जैसे हो, बैंक में बैंक वालों के साथ एमकेएम टैक्स वाले। हेलो। हाँ भाई, कॉल क्यों नहीं ले रहे थे सर? मैं ये डॉक्यूमेंट आपने बोला था ना, ये क्या उसी यहीं पे एक ही खोज रहा था तो नहीं मिला, फिर से भी एक बार ट्राई किया मैंने खोजने के, फिर से भी।